मेरे प्यारे छात्रों, सीजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुजीय ज्यामिति के अंतर्गत कुछ और डाउट प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बोर्ड पर एक क्वेश्चन है। यदि एक समतल के अंतःखंड ए बी सी है जिनकी मूल बिंदु से दूरी स्मॉल पी है, तो सिद्ध करें इतना 1/a² + 1/b² + 1/c² = 1/p². देखिए इसको कैसे वर्क करेंगे। आप अंतःखंड देख रहे हो और जब अंतःखंड दिया हुआ रहे तो तल का समीकरण का सूत्र होता है, समतल का समीकरण x/a जोड़ y/b जोड़ z/c बराबर 1 होता है। ठीक है, 1 को लेफ्ट ले आते हैं, ये हो जाएगा y/b जोड़ z/c -1 = 0, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए। ठीक है, अब देखिए जब तल दिया हुआ रहे और उसका मूल बिंदु से दूरी दिया हुआ रहे, तो यहां ए बी और सी, ए बी सी हम लोग कहते हैं दिक अनुपात को, जो एक्स वाई जेड का गुणांक होता है 1/a, 1/b, 1/c। ये देखने में थोड़ा नोटेशन अजीब लग रहा है कि ए बराबर 1/a, 1/b, 1/c, 1/c, ये इसके जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिक अनुपात दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद मूल बिंदु से दूरी दिया गया है, तो मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु बराबर हो गया 0, 0, 0। ठीक है, तो एक तरह से ये हो गया ए, ये बी, ये सी, और ये जो एक को इधर लाए ये डी हो गया, डी का मान जो है डी बराबर हो गया -1। अब चलते हम लोग, इसीलिए मूल बिंदु से दूरी, दूरी हम लोगों को पी दिया गया है, कोई भी दूरी निकालना रहे किसी बिंदु से, तो सूत्र आपको लिखाया गया है ax1 + by1 + cz1 + d/√a² + b² + c² = इधर पी दिया है। ठीक, अब ए का मतलब है 1/a, b/c माने दिक अनुपात, यानी 1/a, 1/b और 1/c, और x1 y1 z1 का मतलब हुआ ये 0, 0, 0, और d का मतलब हो गया -1। ठीक है, और चूंकि दूरी का बात है इसीलिए इसको हम लोग मॉड के अंदर लेते हैं। ठीक है, चलिए इस पर मान बैठाते हैं, ध्यान देंगे ए के जगह 1/a × 0, बी के जगह पर 1/b × 0, 1/c × 0 -1 / (a²) + 1/b² + 1/c² बराबर हो गया पी, क्योंकि ये मॉड में है तो मॉड ही रहने देते हैं। 0 से गुना करके सब कैंसिल हो जाएगा, -1 / (a²), 1/b² / 1/c² = p, मॉड खत्म तो माइनस चिन्ह खत्म, 1/√1/a² + 1/b² + 1/c² = p। ठीक है, कोना कोनी गुना कर दो तो ये हो जाएगा p√1/a² / 1/b² / 1/c². इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है, 1 × 1 = 1 हो गया, तो एक लिखने का कोई काम नहीं है, p गुना है, इधर जाके भाग हो जाएगा √1/a² / 1/b² / 1/c² = √1/p। अब रूट है उधर हटेगा तो वर्ग हो गए, या आप यहां पर लास्ट में लैंग्वेज लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर।
तो डायरेक्ट रिजल्ट वर्क करने से रूट खत्म, 1/a² / 1/b² / 1/c² बराबर 1/b² यही आपको प्रूव करना था। चलिए पूरा कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तल 2x + 4y + 6z - 15 = 0 एवं 2x + 4y + 6z - 25 = 0 के बीच की दूरी निकालें। समीकरण जो जो है उसको आप मान लो 2x + 4y + 6z - 15 = 0 ये पहला, और दूसरा हो गया 2x + 4y + 6z - 25 = 0 ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों समीकरण में एक्स वाई जेड का गुणांक सेम है, और जब एक्स वाई जेड का गुणांक सेम है तो हम लोग क्या समझेंगे, यह ए बी सी का मान है और ये डी का मान अलग अलग है। तो यहां लिख देंगे ए बी सी बराबर a, b, c = 2, 4, 6 और डी वन का जो मान हो गया -15, डी टू का मान -25। ठीक है, इसीलिए अभीष्ट दूरी डी वन घटाओ डी टू होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर a² + b² + c² का मॉड। डी वन माइनस डी टू का मान, डी वन -15 है, माइनस डी टू -25 है और माइनस है उसके कारण ये प्लस हो जाएगा। a² + b² + c² 2, 4, 6 = 2² + 4² + 6² ये हो गया 10 + 4 = 16 = 36 मॉड खत्म हो जाएगा 10/√16 + 4 = 36 = 56 56 को हम लोग लिख सकते हैं 2√14 दो से कट गया 5 बार में 5/√14 और चूंकि दूरी है तो इकाई लिख देना है। समझ के बात को, यह हो गया दो तल के बीच की दूरी। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। देखिए अब इसी में हम एक सवाल और लेते हैं, सेम इसी में एक और सवाल। देखिए सवाल यही रहेगा, हम थोड़ा सा सिर्फ इसमें चेंज कर रहे हैं। देखिए सब कुछ वही है, 2, 4, 6 - 15 = 4, 8, 12 - 25 = 0 के बीच की दूरी। तो इसमें आप देखिए दोनों समीकरण हम लिखते हैं, ये जो है 4x + 8y + 12z - 25 = 0। देखिए दोनों समीकरण का जो एक्स वाई जेड का गुणांक है वो समान नहीं है,
ये 2, 4, 6, 4, 8, 12 अलग अलग है। और याद रखिएगा तल में जब दो ये समान नहीं दिया हुआ रहे तो इसका मतलब है दोनों तल एक दूसरे को कहीं न कहीं जरूर काटेगा, ठीक है। यानी यदि एक्स वाई जेड का गुणांक समान नहीं हो या उसका अनुपात समान नहीं हो तो वह कहीं न कहीं एक दूसरे को जरूर काटेगा और उस स्थिति में उसका बीच का जो दूरी होगा वो शून्य हो जाएगा। इसलिए सवाल में जो है हमेशा आपको इस टाइप के सवाल में जब भी दो तल के बीच का दूरी पूछेगा तो निश्चित तौर पर वह दोनों तल एक दूसरे के समांतर रहेगा, ठीक है। अब एक तल ऐसे है एक तल ऐसे है तो कहीं न कहीं तो वो काट ही देगा एक दूसरे को, लेकिन यदि इस तरह से है इस तरह से ऊपर नीचे आप देख लो तो दोनों समांतर है। इसलिए जब भी दिया रहेगा दूरी निकालने के लिए तो वो समांतर तल रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए कि हम यहाँ पर जो आपको सवाल दिए हैं उसमें एक्स वाई जेड का गुणांक डिफरेंट है 2, 4, 6, 4, 8, 12, लेकिन उसमें हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेके समान कर देंगे। ऊपर वाला चलो उसको एक रहने देते हैं, इसमें नीचे में यदि दो कॉमन लेते हैं तो इसमें भी सेम हो जाएगा, तो इसमें आपको वही करना है। कोई एक मान लीजिए नीचे वाला जो है 4, 8y, 12z - 25 = 0 दो कॉमन लिए 2x 2 6 8y 2 6 12 - 25/2 = 0 दो इधर भाग है गुना है उधर जाके भाग 2x 4y 6z - 25/2 = 0 ये हो गया दूसरा। अब यहां पर लिख देंगे ए बी सी। अब देखो अब तो समान लग रहा है 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6 और डी वन हो गया उधर -15 और डी टू हो गया -25/2, ठीक है। अब आगे आप लोग कर लीजिएगा, इसीलिए अभिष्ट दूरी d1 - d2 / a² + b² + c² का मॉड, ठीक है। बाकी आगे आप लोग खुद कर लेना है, इसको मान सब दिया है कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट सवाल है उस तल का समीकरण ज्ञात करें जिस पर या जिसमें बिंदु 1 - 1, 2 अंतर्विष्ट है, अंतर्विष्ट है और जो समतलों (2x + 3y - 2z = 5) एवं (x + 2y - 3z = 8) में से प्रत्येक पर लंब है, में से प्रत्येक पर लंब है। देखिए कैसे वर्क करना है इस पे। अंतर्विष्ट का मतलब होता है कि उस बिंदु से होकर के वह तल गुजरेगा या फिर तल जो उस तल पर वह बिंदु स्थित होगा, अंतर्विष्ट का यह मतलब है। तो यानी इससे होकर के गुजरता है। आपको ध्यान में होगा
कि हम एक फॉर्मूला लिखाए थे तल के समीकरण में कि किसी बिंदु से होकर के गुजरने वाली और उसका दिक अनुपात दिया हुआ रहे, तो हम लोग दिक अनुपात मान लेंगे माना तल के अभिलंब का दिक अनुपात ए बी सी है। देखिए तल का दिक अनुपात नहीं होता है, तल के अभिलंब का दिक अनुपात होता है, ये याद रखिएगा। रेखा का दिक अनुपात होता है लेकिन तल में तल के अभिलंब का दिक अनुपात होता है। तो खैर अब चलते हैं, इसीलिए तल का अभिष्ट समीकरण a इंटू x माइनस एक्स वन बी वाई माइनस y1 वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन बराबर शून्य। ठीक है चलिए एबीसी तो ही रखा जाएगा a x माइनस एक्स वन, आपको बताए थे ये मतलब हुआ ये पासिंग पॉइंट हुआ। ठीक है अंतर्विष्ट माने स्थित होना, यानी उससे होकर के तल गुजरेगा या फिर वह बिंदु तल पर स्थित रहेगा। x माइनस वन y माइनस वाई वन, वाई वन का माइनस एक है तो प्लस एक हो जाएगा, प्लस सी जेड वन का मान टू बराबर शून्य। ठीक है चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं कोई समीकरण नंबर वन। चलिए अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये तो खैर हो गया एक तल का समीकरण। अब यह जो तल है यह तल इस पर भी अभिलंब है और इस पर भी अभिलंब है, दोनों पर अभिलंब है, और दोनों पर अभिलंब है तो अभिलंब का शर्त आप जानते हैं ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर शून्य। खैर इसको हम लोग मान लेते हैं टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू जेड बराबर पांच, इसको समीकरण नंबर दूसरा एक्स प्लस टू वाई माइनस तीन जेड बराबर आठ, ये हो गया तीसरा। यहां लिखेंगे एक और दो परस्पर लंबवत हैं और लंबवत का शर्त आप जानते हैं ए वन ए टू जोर बी वन बी टू जोर सी वन सी टू बराबर शून्य। ए वन ए टू, ए का मतलब ए से ही है, ए टू का मतलब समीकरण दो से है, तो टू एक्स यहाँ देख रहे हो ना एक्स का गुणांक ए है, एक्स ए के साथ गुना है या एक्स दो के साथ गुना का है तो डायरेक्ट टू ए दे देते हैं। यहाँ एक्स जो है तीन के साथ है, यहाँ सॉरी वाई तीन का गुणांक है, वाई का गुणांक बी है तो तीन बी प्लस सी वन सी टू, यहाँ माइनस टू है वहां पर सी है तो माइनस टू सी डायरेक्ट देते हैं। इसको चार पुनः एक और तीन परस्पर लंबवत है और लंबवत होने का शर्त वही यूज करेंगे, एक बार समीकरण लिख चुके हो शर्त, अब दूसरे बार शर्त लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट कंडीशन आप यूज कर सकते हो। तो एक्स का गुणांक ए, यहाँ एक्स का गुणांक वन तो वन इंटू एक्स सॉरी वन इंटू ए प्लस दूसरे में यहाँ टू है और यहाँ पर बी है प्लस टू बी, लास्ट वाले यहाँ थ्री है माइनस थ्री यहाँ पर सी है तो माइनस तीन सी बराबर शून्य, ये हो गया पांच। अब चार और पांच को हल करेंगे, हल करेंगे वज्र गुणन विधि से, आप लोग को ध्यान भी होगा वज्र गुणन विधि, फिर भी हम इसमें बता देंगे क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को जरूर प्रॉब्लम्स होगी, वैसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज लिख देंगे चार और पांच को वज्र गुणन से हल करने पर, इसको देखिए हायर मैथमेटिक्स में ज्यादातर वज्र गुणन का प्रयोग होता है, इसमें थोड़ा आसान होगा इसीलिए हम लोग वज्र गुणन का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
नागों में हो जाना चाहिए, हम यहीं पर बना रहे हैं। डायरेक्ट करेंगे, यहां लिखेंगे ए। अब देखो तीन और चार और पांच में कौन सा वेरिएबल है जिसको सॉल्व करना है, तो ए बी सी, यहाँ ए बटे समथिंग, बी बटे समथिंग बराबर सी बटे समथिंग लिखेंगे। ए का मतलब ए को छोड़ करके, बी का मतलब बी को छोड़ करके, और सी का मतलब सी को छोड़ करके, जो बचेगा उसको क्रॉस गुना करना है। अब यहां समझने का कोशिश कीजिएगा अच्छे से कि हम क्या बोले, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ए का मतलब, मतलब ए जो लिखा हुआ है उसके नीचे ए को छोड़ करके बाकी का क्रॉस गुना करना है, बी मतलब बी को छोड़ करके बाकी का क्रॉस गुना करना है, सी मतलब सी को छोड़ करके जो बचेगा उसका क्रॉस गुना करना है। देखिए क्रॉस गुना हम क्या बोल रहे उसका मतलब है, जैसे देखिए ए ध्यान दीजिएगा चार और पांच में, तो ए हम लोग ढक दिए तो बचा तीन दो माइनस दो तीन, तो गुना करते हैं तीन तिया हो गया माइनस नौ, तीन तिया माइनस नौ, इसको इससे क्रॉस गुना किया मतलब कोना कोनी, और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस नौ हो गया, तीन तिया माइनस नौ माइनस देंगे गुना, जैसे एक हुआ डिटरमिनेंट की तरह ध्यान होगा आपको कि पहला कोना गुना करने के बाद माइनस देते हैं। दूसरा कोना देखिए तीन तिया माइनस में हुआ, अब दो दूनी माइनस चार, अब माइनस पहले से है तो प्लस चार, ठीक। बी का मतलब बी को छोड़ दीजिए यानी इसको छोड़ दीजिए, तो बचता कौन कौन है, टू सी थ्री सी माइनस टू सी माइनस थ्री सी, इधर टू ए और ए के, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है बी के बाद जो नंबर है सी, सी वाला कोना को पहले गुना करेंगे, तो सी वाला में ये भी आता है ये वाला, तो पहले ऊपर वाला कोना, तो इसके कोना में देखिए कौन है, इसके कोना में एक है, आप जान रहे हो कि बी को कुछ नहीं करना है बी को छोड़ करके, तो माइनस टू सी के कोना में एक है। आप ध्यान रखिएगा हम इस कोना को पहले गुना नहीं कर रहे हैं, पहले बी के बाद इसका नंबर है तो इसीलिए इस कोना को पहले गुना कर रहे हैं, तो दो माइनस दो गुना एक, यहां लिखते हैं माइनस दो, फिर माइनस का चिन्ह देंगे। अब दूसरा पार्ट आजमाते हैं, तो अब हुआ इस कोना, तो माइनस तीन यहाँ दो, तो तीन दूनी माइनस छ, तो प्लस छ हो जाएगा। अब सी वाला मना सी को छोड़ करके, तो सी को छोड़ करके ही ए आता है बी आता है, तो पहले ए का यहाँ दो है यहाँ तीन दो है, तो दो दूनी चार माइनस दिए, अब बी वाला तीन का तीन माइनस तीन, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, ए बटे माइनस पांच, बी बटे चार, छ में दो गया चार, हाँ इधर हो गया बराबर सी बटे एक, इसको हम लोग के मान लेंगे, के मान लिए, तो इससे जो है ए का जो मान निकलेगा ये नीचे वाला उधर गुना हो गया माइनस पांच के, बी का मान हो गया चार के, और सी का मान हो गया एक के यानी खाली के। अब ये जो ए बी सी निकल गया इसके मान को समीकरण एक में रख देना है। चलिए लिखते हैं लैंग्वेज आगे, ए बी सी का मान, ए कोमा बी कोमा सी का मान एक में रखने पर, यही है लिख ले हैं, काहे हम इसको मिटाते हैं डायरेक्ट मान रखते हैं, ए ए के जगह पर क्या यूज करना है आपको, माइनस पांच के एक्स माइनस एक, बी बी के जगह चार के वाई प्लस एक, सी सी के जगह सिर्फ के, ये देखो के सबके पास के कॉमन, तो माइनस पांच इंटू एक्स माइनस एक प्लस चार वाई प्लस एक प्लस जेड माइनस टू, यहाँ पर के कॉमन लिए तो एक बचा, के कॉमन लिए तो एक, एक लिखना कोई जरूरी नहीं है, के इधर गुना उधर जाके भाग कर खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस पांच एक्स प्लस पांच चार वाई प्लस चार प्लस जेड माइनस टू बराबर शून्य, माइनस पांच एक्स प्लस चार वाई प्लस जेड, और इधर पांच पांच चार नौ, नौ में दो गया सात। आप ये आंसर छोड़ सकते हो या फिर सात को उधर दे दो,
माइनस फाइव एक्स प्लस फोर वाई प्लस जेड बराबर माइनस सात माइनस कॉमन फाइव एक्स माइनस फोर वाई माइनस जेड बराबर माइनस सात माइनस माइनस कट गया आंसर हो गया। ठीक है चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बीबीआई क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ इसको ध्यान रखिएगा दे रहे हैं। एक रेखा घन के चारों विकर्णों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा डेल्टा कौन बनाती है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा कौन बनाती है तो सिद्ध करें कॉस स्क्वायर अल्फा जोर कॉस स्क्वायर बीटा जोर कॉस स्क्वायर गामा जोर कॉस स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3। ठीक है सॉल्यूशन बनाते हैं। आप जानते हैं घन में जो है चार विकर्ण होता है। ठीक है कितना विकर्ण होता है चार विकर्ण। तो चारों विकर्ण जो है एक रेखा गुजरता है और चारों विकर्ण को कहीं ना कहीं काटता है और चारों विकर्ण के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा कौन बनाती है। ठीक है ध्यान दीजिएगा अच्छे से समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम लोग घन में जो है देखेंगे घन में कुल आठ शीर्ष होता है तो आठों शीर्ष का नियामक क्या होगा वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा कि आठों शीर्ष का नियामक हम लोग कैसे वर्क करेंगे कौन सा होगा। ये मिल गया इसको आगे एक्स अक्ष ये वाई अक्ष ये जेड अक्ष ये ओ। ठीक है देखिए ये एक्स अक्ष हो गया ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। एक्स अक्ष पर बिंदु लेते हैं ए ये एक्स अक्ष पर है ये वाई अक्ष पर बिंदु बी लेते हैं जेड अक्ष पर बिंदु सी और ये तो मूल बिंदु है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ये ध्यान रखिए। एक्स पर ए वाई एक्स पर बी और जेड एक्स पर सी बिंदु ले रहे हैं ध्यान से समझिएगा और ओ मूल बिंदु हो गया तो चार बिंदु तो आप पता कर लिए ए बी सी और वो। अब देखिए बाकी जो बचा उसको लेते हैं ए बी सी तक ले लिया इसको डी ई एफ और ये वाला जी ले लेते हैं तो चार चार आठ आठ बिंदु हो गया क्योंकि हम जानते हैं एक घन या एक घनाभ में आठ शीर्ष होते हैं तो आठ शीर्ष हो गया।
अब देखो शीर्ष का नाम हम लोग घन का नाम लेते हैं, पहले नीचे वाला चारों चारों ओ ए डी बी ऊपर ई सी एफ, ई सी एफ जी, ठीक है ये आठ शीर्ष हो गए। ये तो ओ मूल बिंदु है, ये तो जान ही रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ लैंग्वेज लिखते हैं, माना ओ ए डी बी ई सी एफ जी, फिर से देखिए ओ ए क्रम से ओ ए डी बी, फिर ऊपर गया सिक्स नाम बी ई सी एफ जी, एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल ए तथा पर चार विकर्ण होगा, प्रत्येक विकर्ण रूट थ्री ए है, क्लियर। अब इसका चारों विकर्ण कौन कौन से है वो भी हम लोग इस पे ध्यान देंगे। चारों विकर्ण, विकर्ण आप जानते हैं कि यदि हम किसी कमरे में हैं तो कमरे का एक कोना उसी कमरे के दूसरे कोना, ऊपर नीचे वाली नहीं, एक कोना नीचे एक कोना ऊपर, ये पहला विकर्ण होगा। उसी तरह से यदि हम लोग इस साइड का कमरा है, इस साइड का ऊपर वाला हिस्सा और दूसरे साइड का नीचे वाला हिस्सा, दो गो और दो गो बाकी और विकर्ण हो जाएगा, चार विकर्ण, एक इस साइड से ऊपर नीचे और एक इस साइड से ऊपर नीचे, एक उस साइड से ऊपर नीचे और एक इस साइड से ऊपर नीचे, ठीक है। तो यह चार विकर्ण होता है। चारों विकर्ण यहां पर हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। चारों विकर्ण यहां कौन कौन सा देंगे, देखो चारों विकर्ण कौन कौन होगा, पहले ओ से शुरू करते हैं, मूल बिंदु से शुरू किसे करना है ये भी देख लीजिए, एक मूल बिंदु से शुरू करेंगे, एक ए से, एक बी से, एक सी से, ठीक। तो ध्यान रखिएगा सेम फेस में नहीं बल्कि दूसरे फेस में, वो भी नीचे नहीं ऊपर। जैसे ओ के लिए देखेंगे तो ओ के लिए जो ऊपर वाला फेस है, पीछे वाला फेस में बी है, ई है, सी है, तो वो नहीं लेना है, सेम फेस में नहीं, उसके ऊपर दूसरे कोना में, तो ओ जी हो गया इसके चारों विकर्ण क्रमशः नाम दे देते हैं, एक विकर्ण हो गया ओ जी, सुनो जी, दूसरा ए, तो ए देखो ये इधर वाले फेस पर है, इस फेस पर है ए डी जी एफ, ठीक। तो इधर वाला फेस, तो इधर वाला फेस में उसको दूसरे से फेस जाना पड़ेगा और ये नीचे है तो ऊपर जाना पड़ेगा, ए के साथ क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ए ई ओ जी ए ई। तीसरा चलते हैं बी से स्टार्ट करेंगे, तो बी देखो इधर वाले फेस पर है तो ये वाला तो ई जी डी नहीं होगा, होगा तो इधर वाला फेस में, तो ये तो सीधा में है, सीधा नहीं बल्कि कोना में, तो कोना में बी के कोना में कौन पड़ता है, एफ पड़ता है, तो बी एफ, तो ओ जी ए ई बी एफ, तथा चौथा विकर्ण जो है, चौथा विकर्ण हम लोग सी से लेंगे तो सी और डी हो जाता है, ये चार विकर्ण हो गया, इसको ध्यान रखिएगा चारों विकर्ण को, ठीक है। अब प्रत्येक शीर्ष के नियामक इस प्रकार है, विकर्ण के बाद नियामक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम लोग वो का लेते हैं, वो तो मूल बिंदु है तो जीरो जीरो होगा, ठीक। वो के बाद ए ले लेते हैं, ए देखिए ए कौन अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर है, तो एक्स वाला मान समथिंग बाकी मान जीरो, ठीक। तो ए ए का हो गया ए जीरो जीरो, ए के बाद बी का लेते हैं, सब अक्ष वाला पहले ले लेते हैं, बी चूंकि वाई अक्ष पर है तो वाई वाला मान होगा समथिंग बाकी जीरो, यानी वाई बीच में होता है, तो जीरो ए जीरो। सी पर भी चलते हैं, सी का मान हो जाएगा सी, ये देखो जेड अक्ष पर है तो जेड वाला यानी जीरो जीरो ए। फिर डी पर चलते हैं,
डी का मान हो गया डी। देखो कहां पर है ये, देखो ये एक्स अक्ष है आपका और ये वाई अक्ष है, दोनों का कटान बिंदु पर है डी, इसीलिए डी का मान हो जाएगा एक्स वाई अक्ष यानी ए ए जीरो। ई पर चलते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन अक्ष पर है। ई देखो ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, दोनों का लंबवत काटा हुआ है, तो ये हो गया वाई जेड अक्ष यानी एक्स वाला मान जीरो, वाई वाला मान ए, जेड वाला मान ए। या आप चाहो तो ये नोटेशन भी दे सकते हो, छोड़ भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। एफ एफ देखिए यहाँ पर है, यहाँ से हमारा ये एक्स अक्ष मिल रहा है, यहाँ से जेड अक्ष मिल रहा है, एक्स जेड अक्ष पर है, तो एक्स जेड अक्ष के लिए हम लोग यूज करेंगे ए जीरो ए। बचा सवाल जी का, जी कोई अक्ष पर नहीं है, इसलिए जी के लिए ए ए ए तीनों मान कुछ ना कुछ होगा, ये हो गया। अब जो चारों विकर्ण है हमारा, चारों विकर्ण का हम लोग दिक कोसाइन निकालेंगे, और दिक कोसाइन के लिए दिक अनुपात का जरूरत होता है। तो पहला विकर्ण है ओजी, ओजी का दिक कोसाइन मान दिक अनुपात क्या होता है, फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, राइट। देखिए ओ जी तो एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस जी हुआ, बाद वाले में पहले वाले को घटाना है, जी में ओ को घटाना है, तो जी का मान है तीनों मान ए ए ए है और ओ का तीनों मान जीरो 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 है, ए घटाओ जीरो, ए घटाओ जीरो, ए घटाओ जीरो, ए ए ए, राइट। चलिए ओ जी का हो गया, अब इधर लिखते हैं बाकी सब, यहां पर लिखते हैं ओ जी, दूसरा विकर्ण है ए, उसी प्रकार लिखेंगे, उसी प्रकार लिखने से आपको बहुत बड़ा झमेला से बच जाएंगे कि सब में सूत्र नहीं लिखना है और सब में ये घटा करके नहीं लिखना, डायरेक्ट रिजल्ट लिख लो, यहीं पर सोच लो क्या होना चाहिए, जैसे ए ई का डी आर, तो ए ई, तो ई वाले में ए वाले को घटाना है, बस ई में ए को घटाना है, ई वाला मान जो है जीरो ए ए है और ए वाला मान जो है वो ए जीरो जीरो है, तो इसमें यानी जीरो में ए घटाएंगे तो माइनस ए, ए में जीरो घटाएंगे तो ए, फिर इस ए में इस जीरो को घटाएंगे तो ए, ये हो जाएगा माइनस ए ए ए। अगला विकर्ण है बी एफ का, तो चलिए एफ में बी को घटाते हैं, घटाने के लिए जानते हैं यह सब, इसमें बोलने का कोई जरूरत नहीं है, ए में जीरो घटेगा फिर जीरो में ए घटेगा तो ये हो जाएगा ए माइनस ए ए। बी एफ के बाद है सी डी, अगला विकर्ण है सी डी, सी डी, डी में सी को घटाएंगे, डी वाला मान है ए ए जीरो, इसमें सी का मान जीरो जीरो ए घटाइए तो ये हो जाएगा ए ए माइनस ए। वैसे भी सीधा सीधी नहीं भी घटाना है तो याद रख लीजिएगा इस तीनों कोना में माइनस ए, इसका शुरू में ए में शुरू में, बी एफ में बीच में और सी डी में लास्ट में आएगा। अब तीनों का दिक अनुपात निकाल लिए हैं, अब दिक कोसाइन निकाल लेंगे। ओजी का दिक कोसाइन, दिक कोसाइन बराबर होता है उतना बटे वर्गों का योग, तो ये देखिए जैसे इसमें निकालना है इसका तो ए बटे रूट ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, एक बस लिख करके दिखा देते हैं, तीन ए स्क्वायर ए बटे रूट थ्री ए, कट गया वन बाय रूट थ्री, तो इसका वन बाय रूट थ्री, इसका वन बाय रूट थ्री, इसका वन बाय रूट थ्री, और नीचे में जो है रूट थ्री ए स्क्वायर ने लिख करके आप विकर्ण लिख दीजिए, विकर्ण ही उसके बराबर होगा, तीनों को तीनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर रूट थ्री ए होगा, इसलिए डायरेक्ट यहां पर आप वर्ग कर सकते हो। ओ जी का डी सी, ओ जी का पहला मान है ए, ए बटे रूट तीन ए, ए बटे रूट तीन ए, ए ए ए ए ए कट गया वन बाय रूट तीन, वन बाय रूट तीन, ठीक है। चलो ओ
ओजी के बाद अगला नंबर किसका है? ओजी के बाद अगला नंबर है एई, एई का डीसी तो माइनस प्लस प्लस तो माइनस वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री। एई के बाद बी एफ, बी एफ का मान है वन बटे रूट तीन माइनस वन बाय रूट तीन, वन बाय रूट तीन। बी एफ के बाद है सी डी, सी डी का वही हो जाएगा वन बटे रूट तीन, वन बटे रूट तीन माइनस वन बाय रूट तीन। ठीक है, सबका हो गया। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। ये देखिए, ये समझ गए तो 50% आपका सॉल्यूशन ऐसे क्लियर हो गया। 50 नहीं बल्कि बोलो तो 80% आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और चलेंगे। अब देखिए, विकर्ण तो निकल गया, सॉरी हाँ, विकर्ण का, चारों विकर्ण का डीसी निकल गया। अब चारों विकर्ण के साथ ये जो रेखा है, एक रेखा कोई भी जनरल रेखा है, वह जो है क्रमशः अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है। आप जानते हो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र एल वन एल टू जोड़ एम वन एम टू जोड़ एन वन एन टू, ये होता है। ठीक है, यही होता है दिक कोसाइन के लिए सूत्र, यानी कॉस थीटा बराबर एल वन एल टू एम वन एम टू और एन वन एन टू। और चूंकि ओ जी का हमको पता है एल एम एन यानी दिक कोसाइन पता है, बस हमको रेखा का दिक कोसाइन नहीं पता। और वही रेखा चूंकि चारों के साथ बनाता है एंगल, तो इसीलिए उस रेखा का दिक कोसाइन कितना है ये हमको जानना पड़ेगा। तो उस रेखा का हमको दिक कोसाइन पता नहीं है, तो दिक कोसाइन हम लोग उस रेखा का मान लेते हैं। चलिए आप इसको मिटाते हैं। आप अब चित्र का कोई जरूरत नहीं है, चित्र का जरूरत था सिर्फ विकर्ण का पता करने में और आठों जो इसका शीर्ष बिंदु था उसका नियामक पता करने में। विकर्ण का मतलब घन का, चित्र का कोई जरूरत नहीं है। इसको मिटाते हैं और यहां पर हम लोग एक लैंग्वेज लिखते हैं। यहां हो गया, इसके बाद यहां लिखते हैं। माना अभिष्ट रेखा या माना रेखा, रेखा का दिक कोसाइन एल एम एन है। अभिष्ट रेखा लिख लेते हैं। अभिष्ट मतलब समझ रहे हो, जिस रेखा का चर्चा यहां पर किया गया है। इसीलिए पहला जो एंगल है वो है कॉस अल्फा। सूत्र लिख देते हैं एल वन एल टू जोड़ एम वन एम टू जोड़ एन वन एन टू। ठीक है, मान बैठा दीजिए एल वन एल टू, तो एल का मतलब एल से है और पहला रेखा के साथ अल्फा बनाता है और पहला रेखा यानी पहला विकर्ण जो है वो ओजी है, ओजी का वन बाय रूट थ्री, एल इंटू वन बाय रूट थ्री, एम इंटू वन बाय रूट थ्री, एन इंटू वन बाय रूट थ्री। ठीक है, इसका एल एम एन हुआ, इसका वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री यूज किया, ये हो गया वन बाय रूट थ्री कॉमन आ रहा है सब में, एल जोर एम जोर एन। ठीक, अब लिखेंगे उसी प्रकार, अब हमको कुछ विशेष नहीं करना है, बस उसी प्रकार। ठीक, उसी प्रकार पहला अल्फा था, दूसरा बीटा है तो कॉस बीटा, तो कॉस बीटा, तो दूसरा विकर्ण यहां पर जो दिक कोसाइन है वो है माइनस वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री। तो इसमें डायरेक्ट सेवा करेंगे, वन बाय रूट थ्री कॉमन लेंगे, तो इसमें चिन्ह क्या है, माइनस प्लस प्लस, तो माइनस एल प्लस एम प्लस एम, राइट। तीसरा कॉस बीटा के बाद कॉस गामा, उसी प्रकार में डायरेक्ट लिखना है, वन बाय रूट थ्री कॉमन। तीसरा में है प्लस माइनस प्लस, तो एल माइनस एम प्लस एन। लास्ट है कॉस डेल्टा, वन बाय रूट थ्री कॉमन, एल प्लस एम माइनस एन। ठीक है, चलो चारों निकल गया। अब LHS से इसको लेकर के चलेंगे और मान बैठाएंगे, बस हो जाएगा। चलिए इसको पूरा कीजिए, LHS से चलते हैं।
एच एस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर डेल्टा वन बाय रूट थ्री एल जोर एम जोर एन इसका होल स्क्वायर कॉस बीटा वन बाय रूट थ्री माइनस एल प्लस एम का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा वन बाय रूट थ्री एल माइनस एम प्लस एन का होल स्क्वायर वन बाय रूट थ्री एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर चलिए वन बाय रूट थ्री वन बाय रूट थ्री चारों के पास है और वर्ग करने से यह वन रूट खत्म हो जाएगा तो वन बाय थ्री अब जो बचता है वो लिखते हैं जरा सा एल जोर एम जोर एन का होल स्क्वायर माइनस एल जोर एम जोर एन का होल स्क्वायर एल माइनस एम प्लस एन का होल स्क्वायर एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर वन बाय थ्री ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो देखो सूत्र होता है ए स्क्वायर जोर बी स्क्वायर जोर सी स्क्वायर जोर टू ए बी टू एल एम जोर टू एल एम एन जोर टू एल एन अब उसका करेंगे तो स्क्वायर में माइनस भी है तो वो सारा प्लस होगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर ठीक अब टू के साथ जैसे एल जिसके जिसके साथ भी गुना होगा वो माइनस होगा बाकी प्लस होगा तो जैसे लिखेंगे एल के साथ एम करेंगे तो माइनस टू एल एम प्लस टू एम एन माइनस फिर एल एन टू एल एन अब ये दूसरा तीसरा का अब एल जिसके जिसके साथ होगा सब माइनस एल स्क्वायर जोर एम स्क्वायर जोर एन स्क्वायर जोर एल एम तो एम पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा टू एल एम माइनस टू एम एन प्लस टू एल एन ये लास्ट वाली एल स्क्वायर जोर एम स्क्वायर जोर एन स्क्वायर एल एम प्लस टू एल एम एन जिसके जिसके साथ होगा वो माइनस माइनस टू एम एन माइनस टू एल एन चलिए सब जो जो कट रहा है उसको कटा दो तो जितना भी टू वाला है कटेगा ही जैसे देखो टू प्लस में है टू एल एम माइनस में टू एम एन प्लस टू एम एन माइनस कट गया यहां भी टू एल एम माइनस प्लस प्लस माइनस कट गया एल एन माइनस एल एन प्लस से कट गया यहाँ एल एन प्लस एल एन माइनस है कट गया देखिए एल जो है वो चार को है एल एम एन सब चार चार को तो चार इंटू एल स्क्वायर जोर एम स्क्वायर जोर एन स्क्वायर और इसका मान आप जानते हैं एक होता है तो चार बटे तीन गुना एक बराबर चार बटे तीन ये प्रूफ करना था आर एच एस चलिए पूरा कर लीजिए इसको चलिए ठीक है तो आज इतना ही रहने देते हैं कल हम लोग एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ इसी चैप्टर का कुछ और डाउट्स प्रॉब्लम है जिस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे ठीक है तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।